आज जनपद के अब्बू हुर्रेरा कॉलेज में एक जागरूकता कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों को डेंगू जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए उपाय बताए गए, क्योंकि जनपद में पिछले कुछ दिनों से डेंगू का कहर बरपा हुआ है। लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। डेंगू के चलते दर्जन बच्चों की मौत हो चुकी है, इसलिए आज जागरूकता कैंप लगाया गया। कैंप में डॉक्टर प्रताप सिंह नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने लोगों को डेंगू से बचने के सुझाव दिए, लोगों को जागरूक किया और बताया कि शहर में जो खाली प्लॉट पड़े हुए हैं जिसमें गंदगी जमा हो जाती है, उसे नगर निगम द्वारा साफ किया जा रहा है और एंटी लार्वा दवाई का छिड़काव भी किया जा रहा है। वही इस्लामिक सेंटर के सचिव मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए 2-3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले हमारे आसपास जो गंदगी जमा है उसकी सफाई करनी चाहिए। हमारे घर में फ्रिज और कूलर है, उसके अंदर जो पानी जमा है उसे जमा न होने दें, उसकी फौरन सफाई करें, उस पानी को फिकवा दें। यह जो मच्छर होता है वह पानी से पनपता है जो दिन में काटता है और उसकी वजह से प्लेट में कमी आ जाती है और प्लेट कम हो जाती है, जिसमें प्लाज्मा की कमी आ जाती है, उसी की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो हमें उसे अच्छे एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि हमारा इलाज अच्छे से हो सके। देखिए फिरोजाबाद से जिला संवाददाता सौरभ सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। जैसा कि आपको हॉस्पिटल ले जाते ही मौत हो जाती है, तो ये बड़ी डेंजरस बीमारी है। और आमतौर पर घर में पानी खुला रखा रहता है, रात भर रखा हुआ है, बर्तनों में पानी रखा है, खुला रखा हुआ है, रात भर रखा है, कूलर में पानी है, हम खाली पंप नहीं चला रहे हैं लेकिन वो पानी भरा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली ये डेंगू का मच्छर। अगर मैं बात करूं कि अगर उत्तर प्रदेश में जितने भी केस डेंगू के हैं तो उसके आधे केस आपके फिरोजाबाद में आते हैं, यानी कल का जो डाटा हमको मिला है करीब करीब 800 से ऊपर ज्यादा केस हो चुके हैं डेंगू का हमारे जिले में। इस वक्त बहुत जबरदस्त तरीके से कहर बरपा है और उसकी वजह से पूरे शहर में एक अफरा तफरी का माहौल है। उसके लिए 2-3 बातों को और जागरूकता फैलाने के लिए ये एक कैंप रखा गया है, जिसमें हमारे शहर के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रताप साहब मौजूद हैं और ये प्रोग्राम दैनिक जागरण के माध्यम से यहाँ रखा गया है। और हम आपके चैनल के थ्रू सभी शहरवासियों से कहना चाहते हैं कि 2-3 बातों का प्रिकॉशन करें। नंबर एक, डेंगू के लिए घर में सफाई का सबसे अहम 2 चीज़ें हैं, एक फ्रिज और एक कूलर। इसके अंदर पानी बिल्कुल जमा ना होने दें और अगर जमा हुआ है तो उसको फौरन सफाई करवा के उसे फेंकवाएं, क्योंकि ये डेंगू का मच्छर इन्हीं जगहों पर पनपता है और फिर दिन के अंदर ये काटता है और उसकी वजह से ब्लड में कमी आ जाती है, ब्लड्स कम हो जाती हैं, प्लाज्मा की कमी पड़ जाती है और आदमी जान भी गंवा देता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इसका प्रिकॉशन लें। घर का हर व्यक्ति घर के अंदर अगर 2 फ्रिज हैं, 3 फ्रिज हैं, 2 कूलर हैं तो इसका ख़ास तौर से इसकी फिक्र करें। दूसरी बात यह है कि हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी बात कहना चाहते हैं कि आम तौर पर ये बीमारी जागरूकता की कमी से होती है और गंदगी की वजह से होती है। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, हमें अच्छे डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हम या तो अपने मेडिकल कॉलेज जाएं, शहर के हॉस्पिटल में जाएं या ऐसे डॉक्टर्स को दिखाएं जो एक्सपीरियंस होल्डर हों, ताकि उनको सही वक्त पर सही डायग्नोसिस हो सके और सही प्रिस्क्रिप्शन के साथ उनका इलाज हो सके। इसी अवेयरनेस के साथ हम लोग यहाँ ये कैंप कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम ये बात बताना चाहते हैं कि सस्ती दवा लेकर हम अपने मरीज को और बीमार कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि इसमें क्योंकि ब्लड की ज़रूरत होती है तो इसमें ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग अपने कुछ ना ही सही तो हम अपने जानने वालों को ब्लड के लिए प्रेरित करें और उनको ब्लड देने का प्रयास करें। सर, डेंगू और बुखार की महामारी को देखते हुए किस तरह की कैंपिंग की जा रही है और क्या क्या बचाव जो है सुझाव दिए जा रहे हैं बचाव? देखिए,
सबसे इस समय फिरोजाबाद में बुखार का जो वो है, अधिकांश केस डेंगू के हैं, कुछ केस आपके मौसमी फ्लू के भी हैं, और इन सबसे बचने के लिए एक तो आप शहर के जो खाली प्लॉट पड़े हुए उनको भी युद्ध स्तर पर सफाई कराइए, दूसरे नंबर पर हमारा जो फॉगिंग का प्रोग्राम चल रहा है, हर रोज़ फॉगिंग कराई जा रही है रोस्टर के हिसाब से, दूसरा एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है, नालियों की सफाई कराई जा रही है, दूसरा हम एक प्रोग्राम बार बार लोगों के बीच में जा करके एक अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं दैनिक जागरण मंच के माध्यम से, लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि मोस्टली जो इस समय जो डेंगू का मच्छर है वो मोस्टली घर के अंदर ही प्रबल, घर के अंदर आपके फ्रिज है, फ्रिज के पीछे जो ट्रे होती है उसमें होता है, आपके कूलर कूलरों में होता है, आपके घर में अनयूजली जो बर्तन है जिनमें पानी भरा है उनमें पनपता है, आपके घरों में बड़े बड़े कंटेनर हैं जो पानी का स्टोर करते हैं उनको रेगुलर सफाई नहीं करते उनके अंदर पनपता है। हम लोगों को बता रहे हैं कि किस को कैसे जहाँ जहाँ आपको लार्वा दिखाई दे रहा है या जो कंटेनर है उन कंटेनरों में से पानी को खुला करके अच्छी तरह साफ करके दोबारा करें, जो प्रयोग में बर्तन नहीं लाए जा रहे हैं उनको उल्टा रख दें, जो जो गंदगी है आपके घर में जो टायर है या उन्हें उनको डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि ये छतों पर टायर पड़े रहते हैं उनमें भी बड़े बड़े आपके टब छत पर रहते हैं उनमें भी पानी भर जाता है और लंबे समय तक भरा रहता है उसमें, ये क्योंकि ये मच्छर जो है ये भी मच्छर है ये साफ पानी में अंडे देता है और साफ पानी में अपनी जीवन साइकिल पूरा करता है, तो ये सफाई अभियान और घर के अंदर के किसी भी कंटेनर में मच्छर न रहे उसके लिए कंटेनरों की सफाई, रेगुलर पानी को बदलना, कूलरों के अंदर के पानी को बदलना, कूलरों की अच्छी तरह सफाई करना, कूलरों के अंदर जो घास लगी है उसको